अउबाइवी बिस्मिल्लिदी हदा लिहाजा वमा कन्ना लउला हदानल्ला यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते अलह सई देना व व मोहम्मदिनकम वरम् वक्त नाजे कराम आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मेहू सदा नदा नसीम हमारा ये प्रोग्राम कायनात की ला महदूद कुदरत हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है जिसे पेश करने की सदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है नाजिन कराम ये कायनत एक अजीम तरीन वसअत का नाम है और हमारी अगर इस दुनिया की इस प्यारी प्यारी ज़मीन की बात की जाए तो ये नमतों का एक मम्बा हम सब को नज़र आती है और हकीकत तो ये है नाजिन कराम अगर सच पूछिए तो हम अल्लाह तबारक ताल की अत करदा नमतों का शुमार तो कर सकते हैं मगर उनका अहाता नहीं कर सकते इंसानी फितरत किसी चीज़ का बतौर नीमत इदराक करती है या जानती है कि ये चीज़ बतौर नीमत अल्लाह तबारक हमें अता कर रहा है तो फिर उस नीमत की कदरदानी कैसे की जाए आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे यानी आज जो कायनात हम दरियाफ्त कर रही हैं नाजिराम वो नीमतों से भरी हुई प्यारी प्यारी अल्लाह तबारक ताल की अता करदा कायनत है आज के प्रोग्राम में हमारे माह्रन हैं नाजिर कराम और जो मेरे पहले मेहमान हैं आपका नाम है डॉक्टर सलाहुद्दीन सानी साहब अज़हरी डॉक्टर अल अज़हरी साहब अलकुम अज़। और इनका हवाला नाज़िन कराम इनकी जो पहचान है इनका जो तारुफ है वो कुछ इस तरह से है कि आप जामत अजहर से फारगत तहसील हैं और आप प्रिंसिपल हैं क़ायद मिलत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कासिम आबाद कराची के डायरेक्टर हैं आप कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के और इसके अलावा और भी बहुत से आपके हवाले हैं और नाजन कराम इनके साथ मौजूद हैं इससे कबल भी आप इन्हें मुलाजा कर चुके हैं हमारे एक प्रोग्राम में डॉक्टर अशरफ समू साहब असलकुम और इनका तारफ़ भी नाजन कराम हम आपसे करवा दें कि आप कई किताबों के मुशनफ़ हैं जैसा हम सब जानते हैं और आप दरसो तदरीस से आपका ताल्लुक है या आपका हवाला है आपका शोबा है और जामिया कराची से आप मुनिक हैं आपको भी मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमद कहती हूँ डॉक्टर अशरफ समू साहब आपकी जानेब आएंगे और नेमतों का तस्करा हो रहा है अल्लाह तबारक ताली कि अता करदा बेशुमार नमतें ऐसी हैं कि जो हमें मिल रही हैं लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस यही है कि अगर हम अच्छा खाना खा लेते हैं या अगर हमारा फ्रीज़र या हमारा फ्रिज अच्छे खानों से भरा हुआ है तो हम समझते हैं ठीक है वो भी अल्लाह की नियमत है लेकिन आम बोल में या आम रिवाज आम तौर पर जो देखा गया है वो यही चीज़ राइज है कि ये चीज़ें अल्लाह की नियमतों में शुमार किया जाता है या उन्हीं को ही सिर्फ नियमत समझा जाता है तो क्या वजूहत हैं इसकी असल हम शुरू में भी बयान कर चुके हैं कि सिर्फ खाना या पीना या जाहरी आसाइशें नमतें नहीं हैं इंसान बुनियादी तौर पे इन ऐसाों को नेमत समझता है हालांकि वो थोड़ा ग़ौर करे थोड़ा फिक्र करे अल्लाह ताला ने तुरान पाक में भी ग़ौर और फ़िक्र तफक्कुर और तदब्बुर का हुक्म दिया जी बिल्कुल का आया जैसे पहले भी डॉक्टर सलाउद्दीन साहब ने बताया कि सूरह रहमान में जी। बार बार अल्लाह फरमाता है कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को यानी गोया अल्लाह की तो बेशुमार, बेशुमार नेमतें नेमत हैं और किन किन को चुटलाओगे किन किन का इनकार करोगे सबसे पहले ये तो छोटी चीजें हैं यकीनन इन नेमतों को पर भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह के पैगम्बर सल्ला ने, ने तो हुक्म दिया है कि जब आप खाना खाएं जब शुरू करें तो बिस्मिल्लाह करें जब अख्तितम करें तो भी शुक्र करे अल्लाह तुम्हारी तारीफ है खिलाया वा हमें पिलाया हमें मुसलमान बनाया तो बुनियादी तौर पे यकीनन इन आसाइशों पे भी शुक्र अदा करना चाहिए अच्छे घर बेदाखिल हुए अल्लाह का शुक्र अदा करे अल्लाह ने आपको अच्छा घर दिया अच्छा बेटा दिया है अच्छी बेटी दी है अच्छी सर्विस दी है अच्छा खाना दिया है अच्छी रहाइश दी है मगर इससे भी ज्यादा जो हक पहुंचता है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है हमें मखलूक से इंसानियत क्या बात? और कुरान कहता है वाला कद बनी आदम जी, बनी इंसान में सबसे बड़ी शान इंसान की है तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है जी। और फिर करमना का ताज भी अल्लाह ने इंसान पे पहनाया है तो बीबी यकीन जैसे कहा आपने कहा इन छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए मगर बड़ी बड़ी जो नेमतें हैं उनका तो शुक्र हम सारी जिंदगी इबादतें भी करते रहें तो भी अदा नहीं कर सकते अल्लाह ने अपनी हिकमत से हमें इंसान बनाया फिर सबसे बड़ा कि हमें मुसलमान बनाया आप देखिए ये कितनी बड़ी नेमत है कुरान पाक में है कि जब दीन मुकम्मल हुआ यानी दीन तो तेईस इस्लाम को लगे थे को पहुंचाने में जब दीन मुकम्मल हुआ तो गोया अल्लाह ने मुबारक दी पैगम्बर के जरिए अल्लाह ने फरमाया कह नबी इस उम्मत को कह दो तो अल नती को मुकम्मल करके मैंने अपनी नमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया गोया हम उस कामिल और मुकम्मल दीन के फॉलोवर हैं, जिसको अल्लाह ने सबसे बड़ी नमत करार दिया है। क्या बात? दुनियावी नियमतें तो छोटी है मगर उस मुकम्मल और कामिल दीन की मुबारक अल्लाह के हमें दे रहा है अलहमदुल्ला सबसे बड़ी नेमत वो है और फरमाता है, फिर मैं और बढ़ा के तुम्हें दे दूंगा लिहाजा हम जो जो शुक्र करते जाएंगे अल्लाह की तरफ से हमें बरकते मिलती जाए इन नाक है लेकिन ऐतराफ़ कैसे करना है डॉक्टर साहब ने जो बहुत खूबसूरत बात की

ए बनी ईसराइल याद करो उन न्यामतों को जो हमने तुम्हें दी समझे ना तो ये उनको मुतनब किया है बार बार ये इस तरह से खिताब किसी और कौम को नहीं किया गया जो ए, कौम मूसा को किया गया है हम ये मुलाहज़ा करते हैं कर्न करीम के अंदर कि अल्लाह ताला ने उन तमतों का भी जिक्र किया कि जब उन्होंने पानी मांगा तो बारह चश्मे उनके लिए जो है अल्लाह तेज फ़राहम कर दिए उनके यहाँ एक केस हो गया कि एक शख्स को कत्ल कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने बताया कि भाई आप एक गाय लीजिए जैसे जैसे वो सवाल करते गए उसकी शायद तो कंडीशन में इजाफा होता गया लेकिन अल्लाह ताला ने उनके साथ ये सलूक इसलिए किया ये इनाम इसलिए किया ताकि आइंदा कोई कतिल अपने कत्ल को ना छुपा सके और बिल आख़िर वातिल जो है वह उनके सामने नुमाया हो गया इसी तरह अल्लाह ताली ने उन्हें मनोसलबा उनके ऊपर नाजिल किया उनको जो है अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाज़ा और उन नेमतों का जिक्र कुरान में तफसील से आया है जी। लेकिन जी। वो जी। जो थे जाहिर है कि एक एहसान उठाते एक नेमत का फ़ायदा उठाते और उसके बाद फिर अपनी रविश पे आ जाते जिससे क़ुरान करीम ने दूसरी जगह बयान किया है कि नाम कौमिन फ़ुसैन य फाल की फिफ्टी आयत है जिसमें अल्लाह तरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने अपने इन सारे इंसानों के लिए आम रखे हुए हैं जब इंसान खुद बदल जाता है तो अल्लाह ताला उस तमत को भी बदल देता है यानी कि वो नमत से महरूम हो जाता है तो ये लोग नमतें हासिल करते थे और उसके बाद फिर नबी से नया मुतालबा शुरू कर देते फिर इन्फ़ शुरू कर देते फिर एतराज़ा शुरू कर देते तो अल्लाह ताली इनको उन नियमतों से भी महरूम करता गया और फिर यानी कि जहाज़ से इनकार किया तो फिर इनको महसूस भी किया कि अक्सर ज़मीन में जहाँ इन्होंने वक्त गुजारा तो अल्लाह ये वाकयात और ये चीज़ें इसलिए बयान की हैं कि यही तमाम अमाल अब हमारे होते चले जा रहे हैं और कयामत तक आने वाले इंसान इसी कस्म का ना शुक्र का रवैया जो है वो बार बार अख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला कभी आज़ाब के जरिए कभी उस नामत को वापस लेकर उन्हें मतनबे करता है कि अब भी वक्त है कि सुधर जाओ अब भी वक्त है बाद आ जाओ इंसान बार बार अपने रवैये चेंज करता है अल्लाह ताला उसे जो है उस नेमत को जहमत में बदल के या उस नेमत को वापस लेकर उसे राह रास्त पे लाता है और इंसान की हिदायत मतलूब मखसूद होती है जी अशरफ समूह साहब इन नेमतों की कदरदानी कैसे की जाए और कौन से उसूल हैं जिनको अपना कर इंसान इन नमतों का शिक्र अदा कर सकता है ये अहम बात है बल्कि मौजूद वक्त में इस बात की ज़रूरत है जी कि अल्लाह की जो हमें नेमतें मिली हैं अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं हम उनकी कदरदानी करें और उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें जी। अगर हमने उन नेमतों का बीबी सही इस्तेमाल नहीं किया तो याद रखिए वो नेमत नहीं वो नाशुक्री है वो नेम देखिए दौलत जो है ना दौलत भी अल्लाह की नेमत है बिल्कुल जहाँ इसको बुरा समझा जाता है वहाँ इसकी अच्छाइयाँ भी है जी जी। कई साहब कराम बड़े दौलतमंद थे कई कुछ बादशाहों को अल्लाह ने नबियों को बादशाह बनाया जी। बस खुद ये दौलत बुरी नहीं है उसके कमाने का हुक्म है उसके मेहनत करने का हुक्म है उस सरमाए को लगाने का हुक्म है तजारत का हुक्म है ये दौलत है फिर यही दौलत अगर बुराइयों पे इस्तेमाल हो बदकारियों पे इस्तेमाल हो रहजनियों पे इस्तेमाल हो ये दौलत गरीबों को दुखाने पे इस्तेमाल हो तो ये है अल्लाह की नेमत की नाशुक्री अल्लाह के राह में उस दौलत को खर्च न किया जाए गरीबों को न दिया जाए तो बीबी ये गोया अल्लाह की नेमत है और हम उस नेमत का इनकार कर रहे हैं उसको सही मशरफ में उसको जायज इस्तेमाल नहीं कर रहे अल्लाह ने हमें ज़बान दी है ये देखिए कितनी बड़ी नेमत है कि छोटी सी ज़बान से हम किस तरह गुफ्तु कर रहे हैं वे भी ये पाँव मिले हैं ये हाथ मिले ये बुराई के तरफ जाए ये कदम गलत जगह पे जाए तो यकीन ये नमतों की ना शुक्रिया अल्लाह ने जो हमें हवास दिए है दिमाग दिया है अकल दिया है हौश दिया है इनको सही इस्तेमाल करें तो ये जायज़ इस्तेमाल मुझे ये बताइए डॉक्टर सलाहउद्दीन साहब कि कुरान की आगाज़ ही में अगर हम सूर फ़ातहा पढ़ते हैं यकीन अरनवाज़ में हम पढ़ते हैं तो सरातल नमता अनमता की अगर हम बात करते हैं कि परवरदिगार हमें उन लोगों का रास्ता दिखा के जो तेरे इनाम याफ़्त लोग हैं पर तूने एहसान किया या अपने नाम क़राम नाजिल किया मुझे ये बताइए कि वो इनाम याफ़्त लोग कौन हैं जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात हुई और वो कौन सी नमतें हैं के जो उन्हें हासिल होती हैं कि जो अल्लाह तबारक के यहाँ इनाम याफ़्त लोग हैं उन्हें बिल्कुल क़ुरान करीम में अल्लाह फरमाया कि व रसूला फ़ीना नबीन जी वद्दीक व शहदा व साल देखिए अल्लाह उसकी रसूल की इतात जी ये सबसे अहमियत की हामिल है अगर इंसान अल्लाह पे ईमान लाया नबी करीम अलैहि वसल्लम की रसालत का इनकार किया या नबी वसल्लम की रसालत का तो एतराफ़ किया लेकिन अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दिया शिर्क में मुब्तला हो गया देना। वो इनाम याफ़्ता लोगों में से नहीं है और ये बतला दिया कि इनाम याफ़्ता लोगों का रास्ता कौन सा रास्ता है जिसपे अम्बिया इकाम आलतम चले हैं इसीलिए तो हमें कहा गया कि अती और अल्लाह की इताद भी करो रसूल, रसूल की इतात भी, भी करो तो अम्बिया करामलात वाम का जो रास्ता है यही सियात मुस्तकीम है और यही सही रास्ता है जिसकी हर मुसलमान हर नमाज के अंदर दुआ करता है एहदीना सरातलमस्तकीम सरात अल्लाजी अन तीन उसके बाद फ़रमाया व जो अल्लाह के लिए सच बोलते हैं अल्लाह के लिए जो है सच्चाई को अख्तियार करते हैं उम्मत मुहम्मदिया में से इसके नुमाइंदा हैं और इसके बाद फ़रमाया व कि जो लोग अपनी सबसे कीमती शय अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं वो है शहीद तो जो शहीद रास्ता है इसलिए कि मुनाफिक जो है वो तमाम रास्ते अख्तियार कर सकता है बहुत खुश खुशगुफ्तार होगा वो बहुत खुश आमल होगा आपके सामने आपको मुसखर करने के लिए वो तमाम हर्ब आज़मा सकता है लेकिन मुनाफिक अपनी जान क़ुरबान नहीं कर सकता इसीलिए लोगों ने कहा है कि मुजाह मुनाफिक नहीं हो सकता मुजाहिद मुनाफिक नहीं हो सकता मुनाफिक मुजाहिद नहीं हो सकता जिस तरह जुमले को भी आप चाहें इस्तेमाल कर लीजिए इसलिए अल्लाह ताल ने एक शहीद का तस्कर किया है कि वो मुखलिस था इसलिए उसने अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती शय यानी अपनी जान भी उसकी राह में क़ुरबान कर दी बस साल और ये भी फरमा दिया कि जो लोग नेकियों को अख्तियार करते हैं किस लिए अल्लाह के लिए उनको सालह कहा जाता है उन्हें कहा जाता है उन्हें अलिया कहा जाता है हकीीक़त में अल्लाह के नज़दीक यही हैं सियात मस्तकीम पर चलने वाले जी जी तो अब साले कौन लोग हैं वह भी क़ुरान करीम के अंदर कदफ़ मीनूी हम फी सलाम खास वल्ल के कौन लोग है? है हैं जिना जो अल्लाह से डरते हैं जो नमाज पढ़ते हैं जो रोज़े रखते हैं जो अल्लाह के लिए सारे काम करते हैं वह इसलिए नहीं करते कि उन्हें हाजी कहा जाए वो इसलिए नहीं लड़ते कि उन्हें मुजाहिद कहा जाए वो इसलिए इबादत नहीं करते कि उन्हें इबादत गुजार कहा जाए बल्कि वो अल्लाह के लिए तमाम इन कामों को अंजाम देते हैं जिसका कुरान करीम करीन जिक्र है और वो कौन से इनामत हैं मतलब इनाम याफ्ता तो लोग कौन से हैं ये तो आपने हमें बताया वो इनाम कौन से हैं कि जो या वो नेमतें कौन सी है ने हैं जो उन्हें हाजिर देखिए अल्लाह ताला ने जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि न्यामत का जो लफ्ज़ है बहुत वसी मफह रखा है नमत का दायरा भी बहुत वसी है दुनियावी नाममतें भी हैं उवी न्यामतें भी, भी हैं दुनियावी नाममतें भी बतला दी कि ये वो लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं है। जब उनका उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते उन्हें आके कहते हैं तुम्हें कोई डर नहीं तुम्हें कोई खौफ नहीं तुम्हारी जन्नत में मुंतज़र हैं अल्लाह की तमाम नाममतें तो ये दुनियावी अजर है ये उखरावी अज़ा है कि जब वो यहाँ से जाते हैं फरिश्ते उनका इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह के वो मकबूल और महबूब लोग बन जाते हैं तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों को बतलाया कि अगर तुम भी मुस्तकीम पर तुम भी इनाम याफ़्ता लोगों में शामिल होना चाहते हो तो इन्हीं के रास्ते पे चलो और जब इनके रास्ते पे चलोगे तो दुनियावी व उखरावी हर तरह की कामयाबी तुम्हें हासिल होगी तुम्हें सुकून हासिल होगा यानी वो दुनियावी नियमित भी, भी, भी हैं और फिर उखरवी न जो उन छपे नाजिल होंगी या उन्हें हासिल होंगी डॉक्टर अशरफ सम्मून साहब में आपकी जान पाऊँगी और मुझे ये बताइए कि वो अब नाशुक् की जब बात आई तो एक सवाल ये भी उसे जमन में आता है कि वो कौन सी वजूहत हैं कि जिनको अपनाने के बाद इंसान किसी भी नेमत को अपने लिए बायस जहमत बना लेता और फिर उनकी क्या सजा है इंसान जी बुनियादी तौर पर वो बड़ा जल्दबाज है वो अंजाम को नहीं देखता वो आकबत को नहीं देखता उसे जब कोई खुशी मिलती है जी उसे जब कोई सुकून मिलता है जी। जब उसे राहत मिलती है तो वो बड़ा खुश होता है और जब कभी उसे कभी कोई तकलीफ होती है कोई मुसीबत आ जाती है कोई छोटी सी अजियत मिल जाती है इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें रखी है सुकून रखा है राहत रखी है तकलीफ रखी है बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद भी फरमाया है वबल मेरी आजमाइशें आती रहेंगी जी। कभी खौफ के अचानक एक खौफ होगा एक डर होगा वो किसी चीज का भी हो सकता है कभी जू यानी भूख अफलास गुरबत और ये बातें सारी मुशाहिदे में आती हैं बीबी समरात तमाम चीजें आई हैं कभी खुद आदमी बीमार हो जाता है कभी हम देखते हैं जवान औलाद बीमार हो जाती है कभी दुनिया से चली जाती है तो इस तरह की आजमाइशें दुनिया में आती रहेंगी और इंसान सिर्फ उस वक्त ही खुश होता है जब उसे राहत मिलती है जी। जब वो राहत चली जाती है या जा अल्लाह के तरफ से कोई आजमाइश आ जाती है जी। तो वो नाशुक्री में आ जाता है वो अपने अब ये समझता है कि अल्लाह के तरफ से कोई ज़हमत आई है अल्लाह के तरफ से कोई मुझ पर तकलीफ आई है अव्वल तो मैं इस स्टेज से यहाँ से इस प्रोग्राम से ये बताना चाहता हूँ कि तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं अगर ऐसी तकलीफ भी इस दुनिया में इस जिंदगी में आ जाती हैं तो उस वक्त वो सब्र का मुजाहिरा करें तहमुल का मुजाहिरा करें ना शुक्री और बेसब्री का मुजाहिरा न करें और कुरान पाक खुद कह चुका है कि जब तुम उस पर साबित कदमी से सब्र करोगे अल्लाह की रजा पर राजी रहोगे ना शुक्री के करीबात तुम्हारी ज़बान पर नहीं आएंगे तो बीबी यकीनन इस दुनिया में जो हमें तकलीफें पहुंचती हैं और हम जब उससे सब्र से बर्दाश्त करते वाविला नहीं करते ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज नहीं निकालते तो फिर ओ, फिर उसका सिला क्या है जी। खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फ़रमाया बल्कि दो है एक जगह फरमाया वशर साबरीन अल्लाह कुरान में फिर क्या कहता है इन अल्लाह साबरीन ऐसे मौके पर भी वो सब्र करते हैं अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरी इसमें है, तेरी इसमें भलाई है तेरी इसमें अच्छाई है तो फिर अल्लाह उनसे वादा करता है उन्हें बिशारत दो दुनिया में जी। जन्नत की इशारत दो दुनिया की बिशार दो अच्छाइयों की बिशारत दो और कुरान करता है इन अल्लाह साबरीन अल्लाह कहता है मैं उनके साथ अल्लाह ये है लिहाजा इंसान को इन मामलों में सोचना चाहिए बहुत खूब डॉक्टर सलाहुद्दीन एहसानी साहब मैं आपकी और डॉक्टर अशरफ समूह साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ तनाजिर करामसीम को इजाज़त दीजिए और आज का जो मौजूद था वो भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि ये कायनात बहुत खूबसूरत है और अगर ये पूरी की पूरी कायन आलम कबीर है तो इंसान एक छोटी सी कायनात है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा बयान फरमाया तो इंसान को ये भी सोचना चाहिए देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने इस छोटी सी कायनात को वो तमाम की तमाम नेमतें अता की हैं कि जो इस उसने इस पूरी की पूरी कायनात को अता की हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रही हैं बस वही नेमतें उसने हमें अता की हैं या मुहैया की हैं बल्कि हमारे अपने अंदरूनी अगर हम जो अफ़ाल हैं जो आप ये देखिए कि जो हमारे आज़ा हैं उनकी दुरुस्तगी कैसे है उनकी फंक्शनिंग कैसे है और यह किसकी वजह से है कोई ज़ात तो ऐसी है कि जो पूरी ख़ूबी के साथ पूरी आमदगी के साथ पूरी परफेक्शन के साथ आपको आप, आप बनाए हुए हैं। तो हमेशा उसका शक्र अदा कीजिए क्योंकि अगर नेमत की बात हुई तो फिर नेमत का जो बदला है नेमत का जो बदल है वो एहसान है वो भलाई है वो शुक्रगुज़ारी है और अगर मैं कुरान मजीद की बात करूँ तो अल्लाह भी तो यही फरमाता है कि हल जजा एहसान कि भलाई का जो बदला है वो सिर्फ भलाई ही है तो लोगों से भलाई कीजिए अच्छी बात कहिए क्योंकि अच्छी बात कहना भी है हैदाय नसीम को इजाज़त दीजिए फी अमान लाभ